Hey guys, आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे काउंटिंग फिगर के अंदर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को कैसे काउंट किया जाता है। सबसे इजीएस्ट मेथड मेरी वीडियो में आपको मिलेगा, यूट्यूब पे कहीं घूम जाना, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अपन कवर करने वाले, तो बहुत ही जुड़े रहना, एकांत में हो जाओ ताकि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ जाए। साथ ही साथ ये आर एस अग्रवाल की बुक अगर आपने अभी तक नहीं करी थी तो क्या करी थी यार, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बार जरूर चेक इट आउट करना, मिल रही है सबसे कम रेट के अंदर मिल रही है अभी, चलिए प्लीज चेक इट आउट कीजिए। और अपन चलते हैं अब टॉपिक की ओर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो देख लीजिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि काउंटिंग स्क्वायर कैसे किया जाए, यानी कि स्क्वायर्स को कैसे काउंट किया जाए किसी भी शेप के अंदर। तो नॉर्मली पहला टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसमें होता है रो और कॉलम इक्वल हो तब एक ट्रिक होती है, और रो और कॉलम जब इक्वल ना हो तो दूसरी ट्रिक होती है। ये दो ही ट्रिक होती है और बाकी सब आपका विजुअलाइजेशन का खेल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल कैसे है, वन और टू, कितना, दो रो कॉलम वन और टू। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर ये हो गया आपका, नॉर्मली काउंट करिए तो कितने हो गए स्क्वायर, वन टू थ्री फोर, एक बड़ा वाला पाँच। तो इसको करने का एक सिंपल ट्रिक है, ये वन ये टू, ठीक है। तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू वन प्लस फोर विच इज इक्वल टू फाइव, राइट। इसी प्रकार वन टू थ्री, वन टू थ्री, रो और कॉलम इक्वल है तो यहाँ पर आ गया अपना वन टू थ्री, ठीक है। तो वही वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, नाइन प्लस फोर प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर्टीन, ठीक है। तो फोर्टीन स्क्वायर इस वाले क्वेश्चन में हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन इस वाले में, देखो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर कॉलम है एंड फोर ही रो है, तो अगेन वन टू थ्री फोर, राइट। तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस नाइन प्लस फोर प्लस वन, एंड आंसर आ गया थर्टी इसके अंदर स्क्वायर है इस वाली शेप के अंदर, ठीक है। अब ये वाली जो फर्स्ट शेप मैंने बताई ना, इसको तो आप याद ही कर लो कि अगर ऐसा प्लस दिख जाए किसी भी स्क्वायर के अंदर, आपको प्लस दिख जाए तो उसकी वैल्यू फाइव होती है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा काम होगा, उस टाइम निकालने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट याद करना है। तो कितनी होती है इसकी वैल्यू, फाइव होती है। टाइप टू के क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर रो एंड कॉलम इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रो कॉलम इक्वल कैसे नहीं है, रो कितनी है वन और टू, ठीक है, कॉलम वन टू थ्री। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्लस यहाँ एक डिक्रीमेंट करो, थ्री को एक डिक्रीमेंट करेगा कितना आएगा टू, और टू को एक डिक्रीमेंट वन, इसके फर्दर करेंगे तो वन मल्टीप्लाई वन को करेंगे जीरो, तो निकालने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिक्स प्लस टू विच इज इक्वल टू एट, तो इसके अंदर एट है, आप काउंट करते रहो बैठ के आराम से। आगे बढ़ते हैं अपन, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव कॉलम मल्टीप्लाई बाई थ्री रो, ठीक है। इनको डिक्रीमेंट करते हैं तो फोर मल्टीप्लाई टू, और डिक्रीमेंट करते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाई वन, जब तक वन ना आ जाए किसी भी चीज़ में तब तक रुकना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वन आ गया, अपन स्टॉप कर देते हैं यहाँ, फिफ्टीन प्लस एट प्लस थ्री विच इज इक्वल टू इलेवन प्लस फिफ्टीन, हाँ ट्वेंटी सिक्स इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब आपको समझ में आया रो और कॉलम वाला खेल, अगर इक्वल ना हो तो ये वाला अप्रोच यूज करोगे, और इक्वल हो तो स्क्वायर करके ऐड करते जाओ सिंपली। अब देखिए ये सिक्स वाला क्वेश्चन थोड़ा घुमावा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, वही अप्रोच है, देखो प्लस आ रहा है बीच में, तो प्लस के अप्रोच ही लगाएंगे वन टू, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फाइव, तो फाइव तो हो गया सर, लेकिन बीच में एक ये भी तो आ रहा है स्क्वायर, आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये आ रहा है तो इसको एक और काउंट करना पड़ेगा, तो फाइव प्लस वन विच इज इक्वल टू सिक्स। तो ये वाली शेप भी याद रखना, अगर आपके स्क्वायर के अंदर इस प्रकार से स्क्वायर एक और आ जाए तो उसका वैल्यू सिक्स होगा, साथ में प्लस भी होना चाहिए, और अगर नॉर्मल प्लस है तो उसका वैल्यू फाइव होता है। आगे बढ़े, बड़े क्वेश्चनों की ओर चलते हैं अब। देखिए कभी भी क्वेश्चंस को देख के घबराना मत, ठीक है, अपन बेस्ट हम बेस्ट तरीके से करेंगे शॉर्टेस्ट, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने वादा किया सबसे ईजिएस्ट फॉर्म और सबसे ईजिएस्ट मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना बनता है यार, ताकि मैं भी थोड़ा प्रमोट कर सकूँ मेरे चैनल को, राइट। आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा लेक्चर आपके लिए खास डिजाइन किया है ताकि आप बेस्ट इंप्लीमेंट कर सको किसी भी जॉब के लिए। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपकी, देखो यहाँ पर एक स्क्वायर है, फर्दर स्क्वायर है, और एक और स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, प्लस तीनों में आ रहा है, तो बड़े वाले के लिए प्लस आता है तो अपन क्या बोलते हैं वैल्यू फाइव होती है, देन फर्दर नीचे अंदर वाले के लिए फाइव हो गई, इसके लिए भी फाइव हो गई, तो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव विच इज इक्वल टू फिफ्टीन। अरे बिना देखी कर सकते हो आप तो यार, बिना पेन पेपर यूज करे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, आपको पता है इसका वैल्यू फाइव होता है, प्लस तीनों में आ रहा है, चलने दो, राइट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, पता क्यों, यहाँ पर गैप आ गया और एक्स्ट्रा लाइन आ गई। तो देखो यहाँ पर क्या है, वन टू थ्री, ठीक है, अंदर भी वन टू थ्री, और कॉलम कितने, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो रो कॉलम इक्वल है तो अपन वो अप्रोच यूज करें, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, राइट। कितना आ गया, नाइन प्लस फोर प्लस वन, कितना आ गया आपका, फोर्टीन आ गया, फोर्टीन, और एक और स्क्वायर अंदर है तो मल्टीप्लाई बाई टू,
यानी एक और 14 तो 28 हो गया। बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपने ये वाली चीज़ है ना दो बार काउंट कर ली, एक बार तो बड़े वाले स्क्वायर के अंदर, एक छोटे वाले स्क्वायर में, तो आपको इसको एक से सबट्रैक्ट करना होगा और फाइनल आंसर आपका 27 होगा। समझ आया यहाँ पर 27 कैसे आया, क्योंकि आपका ये एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन पूरा के लिए करते ना तो ये दो बार अपना काउंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अगेन कोई टफ नहीं है, इसको टफ बनाने की कोशिश की जा रही है बस। इसका वैल्यू बताओ मुझे, 6, 6, 6 एंड 6, यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, 24 हो गया अपना। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और आ गए, क्योंकि इसमें कोई प्लस नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, अब बाहर वाले में प्लस आ रहा है, अब बाहर वाले में प्लस आ रहा है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो ये 9 प्लस 24 कितना हो गया आप बताओ मुझे, 28 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 33, राइट। दोबारा बताऊँ, दोबारा देख लो, देखो ये वाली जो अंदर वाली शेप है, मैंने इसके लिए बताया था इसका वैल्यू 6 होता है। अब ये जो बाहर है, इसके जस्ट बाहर है, उन पर कोई प्लस थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये सिंगल स्क्वायर हो गया, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 और आ गए। ठीक है, अब ये पूरा बाहर है, ठीक है, उसमें प्लस लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है प्लस वाले की, 5 होती है। तो 5, 4, 24 ऐड करा 33, आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं, तो 10 अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से प्रो देखो तो ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब रो इक्वल टू कॉलम है, रो इक्वल टू कॉलम जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30 होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना बाहर वाले का। अब इनर वाले में किन कौन से प्लस वाले हैं, प्लस वाले की वैल्यू, हर एक की वैल्यू कितनी होती है, 5, 5, 5 एंड 5। घबराइए मत, आपको इसकी पूरी PDF मिलेगी, PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, जाके आप ले लो और आसानी से समझ लो, एक एक चीज़ को डिफाइन कर दूंगा, अच्छे से बना के दे दूंगा PDF, डोंट वरी। ठीक है, तो 5, 5, 5 कितना हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 20 हो गया, तो अब टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 50, सो 50 इज द राइट आंसर ऑफ इट, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइज। अरे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, ओ शिट कितना टफ क्वेश्चन है यार, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे। देखो वो प्लस आ रहा है, अंदर ये ट्राइंगल सा आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आ रहा है, तो वैल्यू क्या होती है उसकी, 6। ठीक है, अंदर एक और ऐसा ही, क्योंकि अब ये वाला देखो आप, इसके रेस्पेक्ट में एक और स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया इस बार, 6। अब ये वाला देखो और इसके अंदर एक और स्क्वायर आ रहा है, उसका वैल्यू भी क्या हो गया, 6 हो गया। बट ये जो लास्ट में फाइनल वाला बचा ना छोटा सा, इसका वैल्यू देखो केवल प्लस आ रहा है अंदर, तो इसका वैल्यू तो केवल 5 ही होगा। तो देखो 6 प्लस 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 5, टोटल वैल्यू इसका आ गया 23। कोई दिक्कत, कितना ईजी, मैं इसलिए बोल रहा था 5 और 6 को क्यों याद रखना है, क्या लॉजिक है। आगे बढ़े, अगेन एक ईजी सा क्वेश्चन आ गया, दिखने को बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अगेन वही रो और कॉलम इक्वल है, 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30। ये कितना है, 1, 2, 3, 4, तो 30 प्लस 4, तो आंसर आ गया आपका 34 स्क्वायर इस वाले क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे आपको। आ रहा है समझ में गाइज, प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है इसके अंदर चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ये कितना देगा अपन को, 6, ये कितना देगा, 6, ये कितना देगा, 5, कितने होते हैं, 6 प्लस 6 5, कितना होता है ये, 17 होता है। ठीक है, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, आए समझ में, 27। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, जो मैं समझाने करूँगा, अब इनको मर्ज भी तो किया गया ना, मर्ज करने से क्या होता है कि यहाँ पे एक निकल गया आपका ये कितना, 28, 29, 30 एंड फाइनल योर 31, तो टोटल कितने आएंगे आपके, 31 स्क्वायर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दोबारा समझाऊँ, ये वाला मैंने काउंट किया, ये वाला काउंट किया, ये वाला काउंट किया, अब बच्चों को सिंगल सिंगल काउंट कर लिया, अब इनको मर्ज किया तो मेरे को पता चला कि ये अपने आप में एक एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो ये 4 स्क्वायर और ऐड कर दिए मैंने 27 के अंदर, तो 31 मेरे को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, अगेन मैं बोलूँगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार ये ईजी है, क्योंकि आपको देखते इसका आंसर आ जाना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सिंपल लॉजिक जा रहे, 5, 5 रो एंड कॉलम आर इक्वल, इक्वल है तो क्या बोलते हैं अपन, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4
4 का स्क्वायर एंड योर 5 का स्क्वायर, टोटल इसका वैल्यू आता है 55, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको, 6, और इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 5। बट क्या अपन ने ये सारे काउंट कर लिए? हाँ सर, हमने सारे काउंट कर लिए, लेकिन इनके अंदर के काउंट नहीं करे, इनके अंदर के नहीं काउंट करे, लेकिन बाहर के तो काउंट कर लिए ना। तो यहाँ पर एक ये डिक्रीज हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये जो 6 था ये 5 हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अपन ये बाहर वाला ये काउंट कर चुके हैं, एक ऐसे इसमें एक बाहर वाला काउंट, सब में एक एक बाहर वाला काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ 4 और ये 5, 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 × 5 25, 4 कितने हैं, 1 2 3 4, सर ओनली 4, सो वैल्यू इज 16। सो आंसर विल बी 55 + 25 + 16 = 80 + 16 विच इज इक्वल टू 96 योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक इसके अलावा कोई स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते, बनते हैं तो अभी मैं बता दूंगा और देख लेंगे अपन जो भी होगा। यहाँ सिंपल देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो इक्वल है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ से मिल गया मुझको 30 मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये कितने का बनाता है, 5 का, ये भी कितने का बनाएगा, 5 का, ये भी कितने का बनाएगा, 5 का। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 15 बन गया। कितना बना भाई, 15 बना। तो 30 + 15 विच इज इक्वल टू 45। तो 45 इज नॉट ए करेक्ट आंसर गाइस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, 45 क्लिक करके आगे निकल लेंगे। लेकिन एक्सक्यूज मी गाइस, आपने कुछ छोड़ दिया है, वो ये है कि आपका इनको काउंट करने के चक्करों में ना, इनको बनाने के चक्कर में यहाँ पे एक और इजाज होता है, जिसमें ये होता है और एक ये वाला, देखो ध्यान से, और एक ये वाला, ये सब स्क्वायर है। मेरी कोई ड्रॉइंग में इसे दिक्कत हो गई होगी कि रेक्टेंगल लग रहे, पर एक्चुअल में स्क्वायर है। देखो एक ये बच रहा है अलग से, ऑटोमेटिक बन गई है क्योंकि अपन ने इस प्रकार से इसकी डिजाइन की। तो 1 2 3 4, 4 और 8 होंगे इसके अंदर और 49, अब आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें एक्स्ट्रा 1 2 3 4, 4 ही है, बाकी नहीं थे, और आप देख सकते हो, पूरा चेक कर सकते हो। सो 49 इज योर करेक्ट आंसर इन दिस। सी गाइज, अब अपन बात करने वाले हैं कि रेक्टेंगल कैसे काउंट किया जाता है किसी भी शेप के अंदर। हमने स्क्वायर पढ़ा भी अभी, अब अपन पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बाद में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि स्क्वायर क्या है, एक टाइप होता है रेक्टेंगल का, यानी वर्ग जो होता है वो आयत हो सकता है, बट आयत है ना, वर्ग नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ पर वर्ग का जो होता है फिक्स वैल्यू होता है, और जो आयत होती है उसकी वैल्यू इस टाइप से होती है, जैसे ये 2 2 का है, ये 2 3 का है। तो ये छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जा सकता है, बट बड़ा बॉक्स छोटे में नहीं जा सकता। इसलिए बोला जाता है कि स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसको करने की अप्रोच सिमिलर है स्क्वायर की तरह, बट थोड़ा सा चेंज है। ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट 3 सेकंड में करने वाली। देखो, काउंट करना है आपको रो, 1 2, इधर से 1 2, कितना हुआ, 8 करो इनको, 2 + 1 3, 2 + 1 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9। तो इसके अंदर 9 रेक्टेंगल है या 9 आयत है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3, 1 2 3, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद, इनको टोटल करें तो कितना आता है, 6। इनको टोटल करें तो कितना आता है, 6 के सारे 1 + 2 + 3, राइट। इधर भी अगेन 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 × 6 = 36। बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो आप, माइंड में एक बार स्पीड आ गई ना, तरीका पता होना चाहिए, फिर तो कोई सा क्वेश्चन दे दो आपको। यहाँ देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 ऐड करो, कितना होता है, 15 होता है टोटल, एडिशन, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 4 के केस में क्या होता है, 4 + 3 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 10। सो 10 मल्टीप्लाई 50 इक्वल 150 रेक्टेंगल है इसके अंदर, ढूंढते रह जाओगे, राइट। 150 है, लेकिन अपन ने आंसर निकाल लिया चुटकियों में, 1 2 3 1 2 3 4 5, वही अगेन 15 और ये आपका 6। सो 15 × 6 विच इज इक्वल टू 90। तो 90 रेक्टेंगल इस वाली शेप के अंदर मिल जाएगा। अब इस वाले में क्या है, 1 2 3 4, राइट। तो इनको सिंपली ऐड करो, कितना आया, 10 आया सर, और कितनी रो है, एक ही रो है सर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 ही तो आएगा, आया समझ में। अब इसको जैसे वैसे देखना हो तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 5 6 7, बड़ा वाला 8 3 का 9, और एक ये पूरा 10। तो इस तरह से 10 निकलता है। ऐसे करने बैठोगे तो रात हो जाएगी सर, इसलिए सिंपल बता रहा हूँ, तीनों को सबको ऐड कर दो, देन कितना करो है, 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ गया 10। आगे चले,
वीडियो को पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो। देखो मैं बता दूंगा, सारे क्वेश्चन बता दूंगा नो डाउट, लेकिन आप खुद से नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार करने की कोशिश करें, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। देखो यहाँ पर कितना करना है, 1 2 3 4, ठीक है, इसी प्रकार 1 2 3 एंड 4, तो इनका टोटल कितना होता है 10, एंड इनका टोटल कितना होता है 10। बट ये रो और कॉलम का नहीं है, ठीक है, ये क्या है, रो और कॉलम का थोड़ी है, ये अपन अलग अलग काउंट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो पूरा एकदम प्रोसेस बनी हुई थी ना रो और कॉलम की, तो ये अलग अलग है, मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम टाइप है। देखो ये पूरा एक ही कॉलम है, ये एक ही रो है, तो इसको अपन ऐड करेंगे इस बार। तो 10 प्लस 10 कितना आया 20, बट यहाँ पे 4 जो है वो दो बार काउंट हुआ है, एक बार इस वाले केस में, एक बार इस वाले केस में, तो अपन एक से सबट्रैक्ट कर देंगे और आंसर हमारा हो जाएगा 19। आया समझ में? या आप देख सकते हो जितने ज़्यादा टर्न होंगे ना उतने से सबट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये अप्रोच होगी, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें तो आ गया आपका 10, ठीक है, 1 2 3 4 इस वाली लाइन में आपका आ गया 10, 1 2 3 4 5 इसमें आपका आ गया कितना 15। तो देखो 10 प्लस 10 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 35, बट एक टर्न आया, दो टर्न आए, दो टर्न आए तो दो से सबट्रैक्ट कर दो, आंसर आपका हो जाएगा 33। आया कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, आया, जितने नंबर ऑफ टर्न है उतना ज़्यादा आपको चेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 1 2 3 4, इनको सेपरेट सेपरेट कर लो आप। ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 10, तो देखो ये हो गया आपका टोटल 26। लेकिन ये तो आपने सेपरेट सेपरेट कर दिए, तीनों आपस में मर्ज है ना, तो मर्ज होने पे अब आपको चेक करना है कितने ट्राइंगल और बन सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो 27 तो मेरा ये रहा, 28 मेरा ये रहा, ठीक है, और एक पूरा ये आ गया 29, तो तीन ऐड होंगे टोटल, तो आंसर अपना आएगा 29 इज योर करेक्ट आंसर। जल्दीबाजी में अपन 26 करके आ जाएंगे, लेकिन ये जब भी मर्ज होती है ना कोई भी शेप, मैंने हर बार कहा है, फिर से कह रहा हूँ, कई वीडियो में कहा है कि जब भी मर्ज होती है तो नंबर ऑफ वो शेप बढ़ जाती है, काउंटिंग बढ़ जाती है। तो 26 में अपने फाइंड आउट करा, तीन और बढ़ रहे, तो 29 इसे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच मैंने बताया, तो आप पहले खुद ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। देखो वीडियो को पॉज करके करा, चलो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर से मैं केवल ये इस पे बात करूँगा, इनको भूल जाओ एक बार, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 1 2, तो कितना हुआ ये 10, और ये कितना हुआ 3, तो 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 30, तो ऐसे ही मिल गया मेरे को इस चीज़ में। अब ये कौन सा है 31, ये कौन सा है 32, ठीक है, ये एक पूरा कितना है 33, राइट, ये एक मेरा क्या है 34, ये एक मेरा क्या है 35, ये एक मेरा क्या है 37, और ये एक मेरा क्या है 38, और एक पूरा क्या है 39। तो 30 प्लस टोटल 9 एड हुए, तो 39 इज योर करेक्ट आंसर। दोबारा बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये वाली प्रोसेस समझ में आई, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 3 30 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 31 था 32 था, एक एक बन गया इनका 31 32, एक पूरे का कितना हो गया 33, ठीक है, इसके साथ मर्ज कर दूँ 34 35 36 37, राइट, एंड 38, हाँ तो ये 38 हुआ ना, हाँ तो 8 करो ना इसको, तो ये हो गया आपका आंसर 38, ना कि 39, राइट, अब आया करेक्ट आंसर, तो ये हो गया अपना 38 इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। देखो मेरे दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा है आपको, हाउ मेनी समांतर चतुर्भुज पूछ रहा है इस बार, समझो पैरेलोग्राम पूछ रहा है आपसे। एक्चुअली ये आपको रेक्टेंगुलर आयत ही पूछ रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया और आपको कंफ्यूज करने के लिए पैरेलोग्राम दे दिया कि पैरेलोग्राम बताओ, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये आयत ही पूछते हैं, तो आपको आयत ही काउंट करना है इसमें, 1 2 3 1 2 3 4, 4 का 10 और ये 6, तो आपका यहाँ पर आ गया 60 आंसर। ये लो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वाला क्वेश्चन करोगे पॉज करो वीडियो को और ये करने की कोशिश करो खुद से, फिर मैं बताऊंगा। करें शुरू गाइस, आई होप आपने किया होगा। तो देखो सिंपली यहाँ पर प्लस वाला साइन दिख रहा है, तो मेरे को तो ये पता है सर कि आयत जब भी निकालता हूँ तो 1 2 1 2, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को आंसर मिल गया 9 तो मेरे को मिल गया, ठीक है, कब प्लस वाले में नॉर्मली। अब इनके अंदर और खांचे बनाए हुए, लाइक ऐसा बना रखा है, ऐसा बना रखा है, ऐसा बना रखा है, ऐसा बना रखा है, ऐसा बना रखा है और ऐसा बना रखा है, तो इन खांचों को नंबरिंग दे देता हूँ मैं कि और कौन कौन से रेक्टेंगल हो सकते हैं। 9 तो हो गए, तो ये देखो ये 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, यानी कि देखो 9 प्लस 10 तो हो गए, राइट।
अब क्या करूँ मैं ऐसा कि अब देखो दो दो की सिंगल सिंगल कर लिए, अब दो दो की जोड़े बनाते, देखो वन और टू को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा ये, लेकिन ये तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया ना। हाँ यार ये तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, लेकिन ऐसे जोड़े ढूंढो जो इंक्लूड नहीं हुआ, लाइक 9 और 10 को देखो आप ध्यान से, इस तरह का नहीं हुआ इंक्लूड, ना ही 3 और 4 इंक्लूड हुआ है। ठीक है, और कुछ है क्या ऐसा? नहीं है, तो दो दो के जोड़ों में ये इंक्लूड नहीं हुआ। अगर 8 को इंक्लूड करूंगा तो ये बड़ा वाला बन जाएगा जो इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो जो इंक्लूड नहीं है, जैसे 9, 10 और इन दोनों को मर्ज करने पे जो बनता है वो इंक्लूड नहीं है, तो दो और मिल जाएंगे अपन को ऐसे ही। अब दो की बारी होगी, अब तीन तीन के जोड़े बनाते, तीन तीन के जोड़े कैसे बन सकते हैं? थोड़ा सोचो, देखो 1, 2, 5 को ले लेता हूँ मैं, ठीक है 1, 2, 5 को, तो एक तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे। इसी प्रकार 8, 6, 7 को ले लूँ तो एक मेरा यहाँ पे बन जाएगा। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिला है तो वर्टिकल भी तो मिल सकता है। वर्टिकल कैसे ढूंढूँ? देखो 5, 3, 4, 6 को ले लो, है ना, बन रहा है ना। इसी प्रकार 9, 8, 10 और 2 को ले लो, ये लो, तो ऐसे 4 और मिल जाएंगे मुझे, 4 और मिल जाएंगे, तो मेरा आंसर कितना हो गया इस बार? 16 + 9 विच इज इक्वल टू 25 इज योर करेक्ट आंसर इन इट, राइट। तो आपको क्या करना है, ये अप्रोच लगा के एक एक पर्सनली काउंट करने हैं और बताने किन किन की पॉसिबिलिटी बनती है रेक्टेंगल की। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आंसर निकलता ही निकलता है। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिमिलर है, अपन पहले करते पा रहे, तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये कितना हुआ? 10 हुआ सिंपली, सबको ऐड कर दो, ठीक है, 1 और 2 इधर बन रहा है, 1 और 1 2 इधर बन रहा है, ठीक है, तो 1, 2, ठीक है, 1 कंप्लीट 3 बन गया, ठीक है, 1, 2, 3, 1 कंप्लीट 3 इधर बन गया, राइट, यहाँ पे आ गया 3, 1, 2 और 1 कंप्लीट 3, 1 इसके साथ 4 के साथ बना लेगा 4, ठीक है, 1, 2, 1 कंप्लीट 3, 1 1 के साथ बना लेगा 4, तो 4, 4, 8 + 10, तो 10 + 4 + 4 विच इज इक्वल टू 18 इज योर राइट आंसर इन इट। तो बहुत ही सिंपल लगा आई थिंक मेरे को ये करने का अप्रोच, क्योंकि मैंने 10 निकाल लिया यहाँ से, इनको ऐड कर लिया और देख ली कितने विजुअलाइजेशन आना चाहिए, मैं रेक्टेंगल समझ में आनी चाहिए कहाँ पर क्या बन रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 करें आप, तो देखो इसको करने की सिंपल अप्रोच है, आपने कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, तो ट्राइंगल तो हमको चाहिए नहीं, तो इसका और इसका तो कोई रोल ही नहीं, बचा कौन सा ये, तो 1, 2, 1, 2, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, 3 × 3 इक्वल टू 9 इज आंसर, कहाँ दिक्कत आ रही है, आ गया। तो ऐसे मतलब आपको ऐसे बनाएंगे वो लोग एग्जामिनर कैसे जैसे करके कि आप फंस जाओ, लेकिन फंसना नहीं है आपको, सिंपल से सिंपल अप्रोच याद रखनी, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, नंबरिंग के बेस पे आपको पूरे ये आपको नंबर काउंटिंग करनी, क्योंकि काउंटिंग ही तो एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसमें बताओ कितने रेक्टेंगुलर या बोल सकता हूँ कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज पूछ लेगा, तो आप इसमें मुझे बताना है कितने हैं, ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, इसमें देखो सिंपल अप्रोच देखते हैं, कितने हैं इसके रेक्टेंगल, काउंट करते हैं सिंगल सिंगल, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, सिंगल सिंगल काउंट कर लिए तो कितने आ गए यहाँ पर, 5, डबल काउंट करता हूँ, 2, 1 ये बनता है, 1 ये बनता है 2, 1 ये बनता है 3, 1 ये बनता है 4, 1 पूरा बनता है 5, 1 पूरा बनता है 6, 6 + 6 + 5 विच इज इक्वल टू 11, तो 11 इज करेक्ट आंसर ऑफ इट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बस सिंगल सिंगल काउंट करना, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल, 4 बार हो तो 4 को काउंट करना है और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, और इसके बाद हमारे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के मोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, जितने भी क्वेश्चन करा सकता था मैं, इजी से लेकर टफ, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने सारा कराया है। इसको एक मिनट के लिए मतलब 20 सेकंड दे रहा हूँ, पॉज कीजिए, 20 सेकंड बाद आ जाइए दोबारा, करें शुरू, आई होप आपने करने की कोशिश की होगी। तो देखो मैं बता दूँ आपको, पहले तो ये ट्राइंगल देख पा रहे हो आप अंदर प्लस वाला, इसमें क्या है 1, 2, 1, 2, तो यहाँ से तो मुझे मिल जाएगा 9, ठीक है, 3 × 3, 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ना यार, ये जो ये बन रहा है क्रॉस, एक्चुअली ये क्या है, प्लस, और प्लस का क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 15 है, डिट्टो क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है, समझ पा रहे हो, यही सेम क्वेश्चन है 15 वाला, इसके ऊपर रख दिया लाके बस, इसके ऊपर रख दिया तो इसका वैल्यू कितना था 11, और हमने अंदर वाले का निकाला यहाँ पर 9, तो 9 + 11 विच इज इक्वल टू 20 एंड 20 इज योर करेक्ट आंसर, आया समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, और होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में बेझिझक होके बता देना।
आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है आरएस अग्रवाल की बुक अगर नहीं खरीदी है तो एक बार केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।